हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैंने पीसी लोगों कैसे ली इसके लिए दो वीडियो बनाई है जो आप स्क्रीन पे देख लोगे। इस वीडियो पे आपने बहुत अच्छा पैर दिखाया है, एक पे 8000 प्लस व्यूज़ है और एक पे 2000 प्लस व्यूज़ है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह सपोर्ट करते रहे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो की रियलिटी बताने वाले फ्रेंड्स के बहुत सारे यूट्यूबर्स आपके लिए तो बोल देते हैं कि वीडियो पर पहले पीसी लोगों ला लो, लेकिन उसके बाद उसके नुकसान ही बताते हैं। उसमें क्या होगा, आपके फ़ोन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपके आईडी को क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये आपको कोई नहीं बताता था। इसलिए मैं वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इसके नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए और लाइक एंड सब्सक्राइब कर। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ कि इस वीडियो का लाइक एम 30 लाइक है फ्रेंड्स, 30 लाइक कर दो ताकि आपको मोटिवेट मिलते रहे, उसके लिए वीडियो और लेके आते रहूँ। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पहले नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करते हैं, मैं फर्स्ट बताता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले है फ्रेंड्स 2GB फ़ोन में गेम प्ले करना, क्योंकि फ्री फायर ना बहुत से लोग 2GB रैम में खेलते हैं या फिर 3GB रैम पे खेलते हैं, वो अब पहले से ही लैग करते रहते हैं, अच्छे से सपोर्ट निकलते फ्री फायर को, फिर भी उसमें खेलते हैं। उसके बाद भी अगर आप फ़ोन पे ही पीसी लोगों लेने के लिए आप वीमोस पर डाउनलोड करोगे, उसके अंदर एक और फ़ोन बनाओगे, उस पर फिर फ्री फायर डाउनलोड करोगे, इसमें बहुत सारे स्टोरेज चले जाते हैं जिस पर फ़ोन और लैग करने लग जाएगी, अब कोई भी ऐप अच्छे से नहीं चला पाओगे ना फिर गेम खेल कर पाओगे। ठीक है, सेकेंड वे तो फिर सेकेंड है फ्रेंड आईडी ब्लैक लिस्ट या फिर आईडी बैन, मतलब बता दो आप यूज़ करोगे गरीना के पास को लगेगा कि आप थर्ड पार्टी आप यूज़ कर रहे हो, आप कुछ घोटाला करो गड़बड़ कर रहे हो, तो आपकी आईडी चेक करी फ्रेंड, उसको कुछ भी गड़बड़ लगेगी आपकी आईडी में तो आपका आईडी को ब्लैक लिस्ट कर देगा या फिर आईडी बैन कर देगा। ठीक है, आपको पता तो होगा या आपका नहीं पता होगा तो जान लेना। और फ्रेंड, अगर आपके पास अच्छा डिवाइस है 4GB रैम का 8GB रैम का आपको ये करना है तो कीजिए, लेकिन आपके रियल आईडी से मत कीजिए फ्रेंड्स, वो रिस्क है, कुछ भी हो सकता है, आईडी बैन भी हो सकती है। इसलिए उसके बाद प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, अगर अब ये कर लिए आप अच्छे फ़ोन में डिवाइस में कर लिए, ठीक है, आपके लोगो आ गया, उसके बाद गेम प्ले चालू कर दे, तो फ्रेंड्स उसमें पीसी प्लेयर ही आते हैं, क्योंकि तो गरीना को लगता है कि आप पीसी प्लेयर हो, फिर पीसी प्लेयर आपके सामने भेजते हैं, अब पीसी प्लेयर बोल के फ़ोन में खेल रहे हो और फ़ोन वाले अब पीसी प्लेयर के सामने खेलोगे तो आप कैसे मार पाओगे उसको, और पीसी प्लेयर आके आपको मार के चले जाएगा, जिससे आप अच्छे से गेम प्ले नहीं कर पाओगे, आपका मार बार आके मारेगा, जैसे आपको फ्री फायर खेलने का मन नहीं होगा फ्रेंड्स। इसलिए आप यूज़ करें या ना, आप सोच लेना पहले, उसके बाद करना। तो फ्रेंड्स, पहले इस वीडियो को देख लेना, उसके बाद ही आप सब करना, तो फिर आप डिसाइड करना कि आपको करना है या नहीं करना है, पीसी लोगों को लेना है कि नहीं लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो जो मैं बोला हूँ आप ध्यान दे दें, ध्यान जरूर देना फ्रेंड्स, जो बोला हूँ एक एक बात को ध्यान से देख सोचना। उसके बाद आती है पॉजिटिव पॉइंट, जो अच्छी बात है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा फ्रेंड्स, बहुत लंबी हो जाएगी, एक ही वीडियो पर सब चीज़ कवर करना मुश्किल है, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जरूर मिलते रहे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फ्रेंड्स, कमेंट में जरूर बताया कि आपकी मेरी बातें रियल लगे कि नहीं, सही लगे कि नहीं, ऐसी आपको आईडी में हो सकती है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं। ठीक है फ्रेंड्स।